बच्चा लिखता नहीं है। पेरेंट्स और टीचर्स का ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि बच्चा लिखता नहीं है। तो ये जो सवाल है ये आपका भी हो सकता है कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, क्या करें, या फिर बच्चे क्लास में लिखते नहीं हैं। कुछ बच्चों की ऐसे प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं लिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसको हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। आप एक पेरेंट हो सकते हो, एक टीचर हो सकते हो, या फिर कोई भी बच्चे के रिलेटिव हो सकते हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। या फिर कोई स्कूल अथॉरिटी भी हो सकते हो जो ये चाहते हैं कि उनके टीचर्स इस चीज़ को समझे कि बच्चे अगर लिखते नहीं हैं तो उसका क्या सलूशन है। तो यहाँ मैं आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें समझाने जा रही हूँ कि बच्चे अगर नहीं लिख रहे हैं या फिर कोई भी बच्चा अगर नहीं लिख रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। ये जो प्रॉब्लम है इसे हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और सारे सेगमेंट्स की डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर बच्चा नहीं लिखता है तो कि एग्जैक्टली हमें आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा कब नहीं लिखता है, किस समय पर नहीं लिख रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसी भी एज के बच्चे की हो सकती है। स्पेशली मैं जूनियर या सीनियर केजी से देखना स्टार्ट करूँ तो, और उसके बाद प्राइमरी क्लासेस में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th या फिर 7th, 8th, 9th कोई भी क्लास में ये बच्चा हो सकता है और वो लिखता नहीं है। तो पहला हम देखेंगे, स्कूल से कॉपी करके नहीं आता है। क्या बच्चा स्कूल से कॉपी करके नहीं आता है? ये नॉर्मली पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है या ट्यूशन टीचर्स की भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा स्कूल से कॉपी करके नहीं आता है। दूसरा, घर पर होमवर्क नहीं करता है। टीचर की होती है कि घर पे वो होमवर्क नहीं कर रहा है, मतलब स्कूल टीचर ऐसा बोलते हैं कि घर पे होमवर्क नहीं कर रहा है, या ट्यूशन टीचर भी, कुछ टीचर्स की हैबिट होती है घर पे होमवर्क देने की, तो वो घर पे होमवर्क नहीं कर रहा है, या फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि होमवर्क नहीं कर रहा है, या फिर एग्ज़ाम में नहीं लिखता है। मतलब आपने पढ़ा दिया बट एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम में वो लिख कर नहीं आ रहा है। तो अब हम सबसे पहला जो पार्ट है वो लेते हैं कि बच्चा स्कूल से कॉपी करके नहीं आता है। तो इसको हम पहले ध्यान से समझ रहे हैं। आप स्कूल टीचर हो सकते हो, आप ट्यूशन टीचर हो सकते हो, स्कूल ओनर हो सकते हो, या फिर पेरेंट हो सकते हो। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है हमें पहले ये देखना है। तो बच्चा अगर लिख नहीं रहा है और स्कूल से कॉपी करके नहीं आ रहा है, तो ये जैसे आपको एक वाइट बोर्ड दिख रहा है, आजकल स्कूल में डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, तो देखिए क्या बच्चा नहीं लिख रहा है तो उसकी आई साइट में तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस तरह की राइटिंग में लिखा हुआ है। कुछ टीचर्स की भी आदत होती है बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखते हैं, या फिर टीचर्स की राइटिंग भी सही नहीं होती है, या तो उनकी राइटिंग सुंदर नहीं होगी या फिर वो कर्सिव में लिखेंगे, उनके फॉन्ट्स खुद के भी सही नहीं होते हैं, या फिर बहुत छोटे छोटे लिखते हैं। और बच्चे अगर थोड़ा भी दूर बैठे हैं, जो आगे बैठे बच्चे उनको इजीली दिख जाता है, लेकिन अगर बच्चे दूर बैठे हैं तो उनको नहीं दिखता है। नॉर्मली कोई भी स्कूल में क्लास होती है तो उसकी क्लास की जो लेंथ होती है ना, वो ऐसी होती है कि कम से कम बच्चे को, सबसे पीछे बैठे हुए बच्चे को भी सही से बोर्ड पर दिखे। लेकिन अगर बच्चे की आई साइट में प्रॉब्लम है और बच्चा तीसरी, चौथी या फिर लास्ट बेंच पर बैठ रहा है, तो आई साइट में प्रॉब्लम होने के कारण बच्चे बोर्ड पर से कॉपी सही से नहीं कर पाते हैं। अगर आप पेरेंट हो तो ये चीज़ ध्यान से पहले देखिए कि कहीं बच्चे की आई साइट में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेरेंट इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो एज अ टीचर ऑल्सो यू कैन गाइड टू द पेरेंट्स कि बच्चे की आई साइट चेक करवाइए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स। क्या बच्चे को सही फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स आता है? बच्चे को लेटर का फॉर्मेशन सही नहीं आने के कारण भी बच्चे नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर हमने बी ऐसे लिखना सिखाया या फिर बी ऐसे लिखना सिखाया हुआ है और बच्चा, कोई बच्चा बी ऐसे लिख रहा है, ठीक है, और ई हमने ऐसे लिखना सिखाया है और बच्चा अगर ई ऐसे लिख रहा है, और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जिसमें बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनिशियल एज पे बस बोल दिया बच्चे को कि लिख लो, स्कूल से होमवर्क आए कर लो, अब उसको नहीं पता चल रहा है तो उसने सिर्फ ड्रॉ कर दिया है, लाइंस ड्रॉ कर दी है कैसे भी। तो इसको सबसे पहले देखना है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स सिखाइए। मेरी बुक्स भी अवेलेबल है कि किस तरह से बच्चों को प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स सिखाएंगे, कोर्सेज भी हैं मेरे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और नीचे आपको कहीं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कर्सिव वर्सेस नॉर्मल का प्रॉब्लम है। अब कर्सिव वर्सेस नॉर्मल का क्या प्रॉब्लम है कि अगर बोर्ड पे सिंपल में लिखा हुआ है और बच्चे को कर्सिव में कन्वर्ट करना है, या फिर बच्चे को फॉर्मेशन सही से नहीं आ रहा है कर्सिव का, कभी ये नॉर्मल राइटिंग लिख रहा है, कहीं पर वो कैपिटल में लिख दे रहा है, कहीं वो स्मॉल में लिख रहा है, कहीं वो कर्सिव में लिख रहा है, तो ये सारे लेटर्स के डिफरेंस उनको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि जब अगर आप कैपिटल लिख रहे हो तो कहाँ कैपिटल लिखोगे, कहाँ स्मॉल लिखोगे, और कब उनको कर्सिव और नॉर्मल में, मतलब लाइक नॉर्मल राइटिंग में अगर बुक में लिखा हुआ है तो उसको कर्सिव में चेंज करके उनको लिखना है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये बच्चे को परेशान करती है और उनके माइंड से, जो जैसे कि कोई भी चीज़ माइंड में जाती है और फिर वहाँ से वापस आ रही है, जैसे बच्चे ने बोर्ड पर से देखा, उसके माइंड में गया और वहाँ से फिर वापस आया, न कि डायरेक्ट बोर्ड पर से आया, ठीक है। तो ये जो है ये अंदर माइंड की एक्टिविटी है जो हमें करवानी समझानी ज़रूरी है। अब हम आगे आ जाते हैं कि वर्ड्स की स्पेलिंग अगर बच्चे को नहीं आ रही है, जैसे आपने कहीं बोर्ड पर लिख दिया, लिखा हुआ है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ओनली टीचिंग एट द, तो अगर बच्चे को ये कॉपी करना है, नॉर्मली पूरा का पूरा सेंटेंस बच्चे को कॉपी करना होता है, खास करके फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, तो ओनली की स्पेलिंग अगर नहीं आ रही है, पहली बात रीड करना नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे कॉपी कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ओ, फिर मैं तो यहाँ से देख के लिख रही हूँ, बच्चे कहाँ से देख के लिखेंगे, यहाँ से नोटबुक में लिखेंगे, तो पहले वो ओ देखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, एन देखेंगे, एन लिखेंगे, एल एल लिखेंगे, वाई वाई लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चों को सिर्फ लेटर आइडेंटिफाई करना आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये ओ है, ये एन है, ये एल है और ये वाई है। अब कई बच्चे की तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि उसको लेटर तक आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कैसे भी करेंगे, उनको है कि हमें बताया गया है कि इसको लिख लेना है, नहीं तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लेकिन उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो किसी ने नहीं देखा है। तो अगर उसको रीड करना नहीं आ रहा है कि इसको ओनली बोलते हैं, उसके बाद उसको ये भी नहीं आ रहा है कि ओनली की स्पेलिंग क्या है, तो वो एक एक लेटर कॉपी करेगा, फिर टीचिंग में भी इसी तरह से एक एक लेटर कॉपी करेगा। तो रीड करना और उसके साथ साथ में स्पेलिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए भी पूरा डिटेल्ड मेरा कोर्स है कि बच्चे को रीडिंग, उसके साथ स्पेलिंग और ये सब कैसे स्मार्टली बच्चे को करना सिखाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मार्टली ये सारी चीज़ें सीखें और पूरा प्रॉब्लम जो है वो आप डिटेल में समझें और बच्चे को करवाएं, तो मेरा कंप्लीट कोर्स है, आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगी नीचे ऊपर या फिर चैट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा फ्री वेबिनार भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है कॉपी करने की, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए वर्ड्स की स्पेलिंग भी बच्चों को रीड करना और उसके साथ साथ लिखना दोनों सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रॉब्लम आती है अगल बगल में बातें करना, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, तो कुछ बच्चों की हैबिट होती है बातें करने की, तो ये क्या है कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है, वहाँ पर टीचर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, अगर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो बातें करेगा, उसको सही से लिखना नहीं आ रहा है तो वो बातें करेगा, उसके बगल में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो ज़्यादा बातें करवाता है, खुद का काम कंप्लीट करके उसको बातें करवा रहा है, तो हमें यहाँ पर बच्चों को सिखाना पड़ता है कि आपको अपना दिमाग चलाना है, बातें नहीं करनी है, पहले अपना काम कंप्लीट करो, नहीं तो तुमको ही बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट टाइप से बच्चे को पॉजिटिवली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, न कि उनको मारने डांटने का, ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उनको समझाइए कि ये प्रॉब्लम है और ये सल्यूशन है। ओके, अब हम सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं, घर पर होमवर्क नहीं करता है। तो कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि घर पर होमवर्क नहीं करते हैं। तो घर पर होमवर्क करना ज़रूरी क्यों है, पहले ये भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि वो रिवीजन के लिए आपको दिया गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए ये कि होमवर्क क्यों दिया जाता है, एग्ज़ाम क्यों ली जाती है, ये सारी चीज़ें भी मैंने अपने कंप्लीट कोर्स में बता रखी है, और आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक अवार्ड विनिंग फार्मूला है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और
जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आ जाते हैं, तो उनको पहले बताइए कि होमवर्क दिया क्यों जा रहा है, होमवर्क करना क्यों ज़रूरी है। स्कूल से भी अगर आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी बच्चों को बता करके भेजिए कि ये होमवर्क अगर हमने दिया है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, रिवाइज़ करना ज़रूरी है। पहले तो ये चीज़ें उनको समझाइए। दूसरी बात कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पर उनको रीडिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, उनको राइटिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में से अगर कुछ चीज़ें उसको दी है करने के लिए, या फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ दी है, तो वो रीड ही नहीं कर पा रहा है तो लिखेगा क्या, पढ़ेगा क्या। कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं कि जाओ जाके होमवर्क कंप्लीट कर लो। अब प्राइमरी एज में नॉर्मली बच्चे को रीडिंग राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ साथ लेकर के बैठना पड़ता है बच्चे को। तो अगर रीडिंग डिफ़िकल्टी है तो बच्चा अपने मन से तो होमवर्क नहीं करेगा, साथ में लेकर आपको बैठना पड़ेगा और पहले उनको रीडिंग कम्प्लीटली सिखानी पड़ेगी। अब राइटिंग डिफ़िकल्टी है तो भी मैंने यहाँ पर बताया कि ये प्रॉब्लम घर पे भी आएगी और स्कूल में भी आएगी, तो उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मोटिवेशन मतलब देखिए, ये श्योर है कि बच्चों को मार के डांट के आप नहीं पढ़ा सकते हो। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, हमें डांटना पड़ता है बच्चे को, नहीं समझते हैं तो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। मोटिवेशन इन द सेंस कि वाई दे आर डूइंग देयर स्टडीज़। उनके पास कुछ तो रीज़न होना चाहिए, पॉजिटिव रीज़न होना चाहिए कि उनको पढ़ने के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला है, और वो डे टू डे रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं, ना कि आप बोलो कि अब तुम बड़े हो गए तब तुम डॉक्टर बनोगे। वो बोलेंगे हमें नहीं बनना है डॉक्टर, हमें खेलना ज़रूरी है, अभी हम खेलेंगे। तो उनको डे टू डे रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है, ना कि उनको मारने डांटने से आपका काम चलेगा। तो इस चीज़ को भी आप समझिए एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। घर में अगर पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं है, माहौल नहीं है, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, या फिर आप लोग बाहर जा रहे हैं, बार बार बाहर जाना हो रहा है, घूमने जा रहे हैं, किसी के शादी में, फंक्शन में, फेस्टिवल में, हर चीज़ में बार बार बाहर जाना, गेस्ट आना, तो इससे बच्चे की पढ़ाई बिगड़ती है। और उसके साथ साथ में अगर आपका खुद भी ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि चलो थोड़ी देर बच्चे को लेकर बैठते हैं, उसने क्या पढ़ा देखते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में वो देखते हैं, तो फिर वो बच्चे इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और ये अगर इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूँ, या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी, अगर आपका है एटीट्यूड को बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा एटीट्यूड है, तो घर बच्चों को लेकर के बैठना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको कुछ चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी पड़ती हैं, और फॉलो अप रखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्ज़ाम में नहीं लिखता है। अब कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम उसको रीड करना तो आता है, लेकिन सब जानता है, सब आंसर भी दे देता है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का पता आपको थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आने के बाद पता चलता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर अगर आपको फर्स्ट सेकंड में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि बच्चा एग्ज़ाम में कुछ करके नहीं आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं कर रहा है, एमसीक्यू भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रीडिंग की डिफ़िकल्टी है। और अगर बच्चा लिख कर नहीं आ रहा है, सेंटेंसेस नहीं लिख कर आ रहा है, तो वहाँ पर बच्चे को राइटिंग डिफ़िकल्टी है, इन द सेंस उसको सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, उसको वर्ड की स्पेलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप अगर घर पे बच्चे को ओरल रिवीजन करवा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। बच्चे को जैसे हुआ कि एग्ज़ाम का टाइम है, ओरली देखा, करवा दिया, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, वो पूछ लिया, आ रहा है, जाओ एग्ज़ाम में लिख के आ जाना। लेकिन लिखना कैसे है हमने वो नहीं सिखाया, एग्ज़ाम के पेपर लिखने का तरीका अलग होता है, वो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर बच्चों को सिर्फ ओरल रिवीजन करके भेजते हैं, और वो भी सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में करवाते हैं, तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। अब रीडिंग एंड स्पेलिंग प्रॉब्लम, तो अगर रीडिंग का प्रॉब्लम है तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएगा। आप ओरल देखिए, ओरल जब आप पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बच्चा लिसन कर रहा है, व्हेन यू आर आस्किंग दे आर लिसनिंग एंड दे आर रिप्लाइंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो रहा है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग नहीं हो रहा है। कौन कौन से चार चीज़ें हमने देखी है लैंग्वेज के लिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब आप ओरल बच्चों का क्वेश्चन आंसर ले रहे हो तो उसने सुना और आपको रिप्लाई किया, मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग हो गया, लेकिन एग्ज़ाम तो रिटन में होगी,
मतलब वहाँ उसको पढ़ना है और आंसर देना है, तो रीड करना, सेंटेंस को पूरा का पूरा रीड करना और रीड करके समझना, समझ करके उसका आंसर देना, और वो भी ओरली नहीं, लिखना है। तो लिखने के लिए सेंटेंस का फॉर्मेशन, स्पेलिंग, ये सब उसको सही से आनी चाहिए। तो बच्चे को अगर थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इवन कि उसको सब पता है, मेरे बच्चे को सब पता है, उसको सब आता है, लेकिन लिखता ही नहीं है, एग्ज़ाम में मार्क्स ही नहीं आते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रीडिंग, स्पेलिंग, सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं आने के कारण बच्चे को एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते हैं। और उसके साथ ही इन सारी चीज़ों की अगर रिटर्न में प्रैक्टिस हमने प्रॉपरली नहीं करवाई है तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चले, तो प्रॉपरली उसको ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाइए। अब लास्ट, ओनली टीचिंग एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, चाहे ट्यूशन में, चाहे आप घर पे, जब एग्ज़ाम के टाइम में ओनली प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को कि कल एग्ज़ाम है, चलो आज पढ़ा दें और कल बच्चा सब लिख करके आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया फिर हम तैयारी स्टार्ट करें तो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि एग्ज़ाम का सिलेबस ही नहीं आया है तो हम पढ़ाएं क्या, तो आप बच्चे का प्रॉब्लम एरिया देखिए, वो पढ़ाइए। तो ये देखिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हम क्या पढ़ाएं, तो फिर मेरा कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। घर पे बैठा के बच्चे को वो टाइम पे जब एग्ज़ाम नहीं है तो क्या पढ़ाएं, उसका पूरा गाइडेंस दिया हुआ है मैंने। और बच्चे को एग्ज़ाम के लिए रेडी करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पहले आप उसके प्रॉब्लम एरिया पे काम करके उसको रेडी कर दीजिए, तब बच्चे एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे रह जाते हैं। तो ये जो बच्चा लिखता नहीं है, इसमें मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, देखिए एग्जैक्टली बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन आपको रेडी करना है और अप्लाई करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप पेरेंट, टीचर, स्कूल ओनर या फिर बच्चे के कोई भी रिलेटिव हो सकते हो, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर आप चाहें तो स्कूल में भी ट्रेनिंग के तौर पे ये वीडियो दिखा सकते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स को, ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती जा रही है और उसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो सोल्यूशन अगर आप सही चाहते हैं और तो लोगों का भला कीजिए, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बाय बाय।